नमस्कार, न्यूज 29 इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं कनुप्रिया। ये नजर डालते हैं अब तक की ताजा खबरों पर। कुछ दिन पूर्व मध्य प्रदेश के मंदसौर में 8 साल की बच्ची से दुष्कर्म के मामले में आरोपी को फांसी की सजा देने की मांग को लेकर इंदौर महिला कांग्रेस ने शिवराज का पुतला दहन किया। शहर कांग्रेस कार्यालय गांधी भवन स्थित शुक्रवार को इंदौर महिला कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने शिवराज सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उसके बाद महिला कांग्रेस ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का पुतला भी जलाया। कांग्रेस नेत्री मनीषा सिरोडकर ने कहा कि शिवराज के राज में महिला और बच्चों के साथ दुष्कर्म और अत्याचार बढ़ रहे हैं। राजगढ़ थाने के ASI अमृतलाल भिलाल की मौत के बाद उन्हें शहीद का दर्जा दिया गया। वहीं उनके पार्थिव शरीर को श्रद्धांजलि देने आज सुबह CM शिवराज सिंह चौहान सहित कई प्रशासनिक अधिकारी राजगढ़ पहुंचे। ASI अमृतलाल भिलाल की मौत पर DGP ऋषि कुमार शुक्ल, IG भोपाल जयदीप प्रसाद, DIG धर्मेंद्र चौधरी, SP हेमंत चौहान और राहुल कुमार लोढ़ा सहित अन्य पुलिस के अधिकारी व कर्मचारी पहुंचे। यहां CM शिवराज सिंह चौहान ने शहीद ASI अमृतलाल भिलाला को राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी। श्रद्धांजलि समारोह नेहरू नगर पुलिस लाइन में किया गया। इस मौके पर पुलिस विभाग के आला अधिकारी और पुलिस बल भी मौजूद रहा। उन्होंने भी भिलाला को शोक धुन के साथ श्रद्धांजलि दी। बुरहानपुर वन विभाग की टीम ने शहर के आधा दर्जन से अधिक फर्नीचर दुकानों पर DFO के निर्देश पर छापामार कार्यवाही कर एक आरा मशीन सहित कई दुकानों से अवैध लकड़ी जब्त की। वहीं इन सभी फर्नीचर दुकान संचालकों के खिलाफ वन अधिनियम के तहत कार्यवाही भी की जाएगी। बुरहानपुर जिले के वन मंडला अधिकारी सुधांशु यादव के निर्देश पर वन विभाग ने एक टीम बनाकर शहर के आधा दर्जन से अधिक फर्नीचर दुकानों पर छापामार कार्यवाही करते हुए एक आरा मशीन और कई क्विंटल अवैध लकड़ी जब्त की। वहीं जब इस SDFO सुधांशु यादव से चर्चा की गई तो उन्होंने बताया कि कई दिनों से अवैध लकड़ी की शिकायतें मिल रही थी, जिस पर आज कार्यवाही की गई है और यह कार्यवाही निरंतर चलती रहेगी। आइए अब नजर डालते हैं उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की खास खबरों की ओर। जहां गोकशी एक शर्मसार व बहुत ही बड़ा अपराध माना गया है और प्रशासन द्वारा गोकशी जैसे मामले पर पूर्ण रूप से रोक लगाई गई है, किंतु क्षेत्र में आए दिन गोकशी के मामले सामने आ रहे हैं। वहीं ताजा मामला लक्सर के सुल्तानपुर गांव का भी सामने आखड़ा हुआ है, जिसमें पुलिस ने गोकशी कर रहे लोगों पर छापेमारी की है, जिसके चलते पुलिस ने 5 क्विंटल गाय का मांस बरामद किया। मुखबिर से सूचना मिलने पर सुल्तानपुर पुलिस ने अंसारी मोहल्ले में छापामारी की तो मौके से 5 क्विंटल गोमांस व कुछ गोकशी में प्रयोग किए जाने वाले धारदार हथियार भी बरामद हुए हैं। सूचना मिली एक व्यक्ति गाँव में गोकशी अपने घर पे गोकशी कर रहा है और इस सूचना पर पुलिस ने तत्काल घेराबंदी करके छापा मारा और उस व्यक्ति को गिरफ्तार भी कर लिया। आरिफ नाम का व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया और सारा मांस करीब 3 क्विंटल के लगभग मांस था, उसमें गाय का मांस था और जिस हथियारों से उसे काटा जा रहा था हथियार बरामद कर लिए थे। जब उसको लेकर पुलिस वाले वापस आ रहे थे तो इतने में उनके परिवार के 6-7 लोग मिलकर उन्होंने पीछे से पथराव किया और उससे मुलजिम मौके से भाग गया। तो उस संबंध में हमने मुकदमा पंजीकृत कर दिया है और बाकी अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। लोकल जो भी है, जो जिम्मेदार लोग हैं या जो पंचायत है या जो नगर निकाय है या जो भी है, लोकल लोगों के साथ एक गौरक्षा समिति का गठन किया जाए और रेगुलर एक रैकी की जानी चाहिए। और इसके अलावा भी जो लाइसेंसधारी जो लोग हैं उनको भी लगातार चेक कर देना चाहिए, क्रॉस चेक होना चाहिए। और इसके अलावा हम लोगों ने पंचायत में भी ये सुनिश्चित किया है कि हम एक गौरक्षा समिति का गठन करेंगे और इसके अंतर्गत भविष्य में ये सुनिश्चित किया जाएगा कि इस तरह की कोई भी हरकत, गौकशी की कोई भी हरकत पंचायत के अंदर ना। जनजाति परामर्श दार्त्र परिषद उप समिति की बैठक में भाग लेने के लिए मंत्री नीलकंठ मुंडा साहेबगंज पहुंचे, जहां जिले के आला अधिकारी एवं BJP नेताओं ने उनका स्वागत किया।
विकास भवन सभागार में ग्रामीण विकास मंत्री नीलकंठ मुंडा की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में मुख्य रूप से आदिवासी की जनसंख्या में गिरावट को लेकर मुख्य रूप से चर्चा की गई। जनजाति परामर्शदार्थ परिषद उप समिति ने बैठक में शामिल सदस्यों से इस मुद्दे पर समस्या की मुख्य कारण की जानकारी ली और इस समस्या को सुधारने के लिए क्या क्या उपाय किए जाएं इस मुद्दे पर चर्चा भी की। इस अवसर पर उपायुक्त संदीप सिंह बोरियो, विधायक ताला मरांडी, शिव शंकर उराव, गंगोत्री कुजुर, रतन तिर्की सहित कई लोग मौजूद थे। तारानगर में स्थानीय चौधरी धर्मशाला में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के 7 जुलाई को जयपुर दौरे को लेकर एक सम्मेलन आयोजित किया गया। कार्यक्रम में बूथ स्तर से लेकर जिला कार्यकारिणी के अनेक लोग शामिल हुए। सम्मेलन में नगर पालिका द्वारा गठित स्वयं सहायता समूह के लाभार्थियों को 10,000 के चेक भी दिए गए। समारोह में जिला हरलाल सहारन भाजपा नेता रत्न राठौर, चंद्रा राम गुरी, राकेश जांगिड़, महावीर पुनिया, जमरदीन तेली आदि उपस्थित थे। अभी के लिए बस इतना ही। प्रदेश और देश की हर खबर के लिए बने रहिए न्यूज 29 इंडिया के साथ। एक देश सारे प्रदेश।